नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। खरगोन जिले में महिला बाल विकास एवं जन सहाय संस्था के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन स्वामी विवेकानंद सभागृह में किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा परिचर्चा की गई। बता दें, महिलाएं और बच्चे समाज का महत्वपूर्ण वो हिस्सा हैं जिन्हें कई ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है जिसे महसूस करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कार्यशाला के माध्यम से संयुक्त विभाग ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके मानसिक तौर पर परेशानियों से जूझ रहे ऐसे बच्चे महिलाओं की पहचान करके उनकी समस्या निराकरण के उपाय बताएं। इसी दौरान प्रशिक्षणकर्ताओं ने बताया कि ऐसी महिला और बच्चे की अभिरक्षा के लिए विभागीय तौर पर मदद देने के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की हमारी कार्यशाला जन सहाय संस्था और महिला बाल विकास के साथ आयोजित की गई है। जन सहाय एक संस्था है जो मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है, खासकर की महिलाओं और बच्चों के साथ जो भी हिंसा होती है, शोषण होता है उस पे। तो आज की हमारी कार्यशाला मानसिक स्वास्थ्य पे है, खासकर कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे हमारे काम में या अलग अलग जो विभाग सरकारी विभाग है उनमें कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे हम जागरूकता फैला सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य, जो कि एक बहुत नया टॉपिक है उसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितिका है और मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर हूँ जन सहाय संस्था। कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, ताकि जितने भी ऐसे केसेस हो रहे हैं खरगोन में जहाँ पे महिला या कोई बालिका या बच्चों के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, तो उसमें हम कैसे मानसिक स्वास्थ्य की काउंसलिंग करके मदद कर सके। तो हमारी यही इच्छा है कि इस कार्यशाला के द्वारा लोग और जागरूक हो, जितने भी सरकारी विभाग के आज अधिकारी मौजूद है उन्हें और पता चले कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, ताकि जब वो अपने काम में ऐसा कोई भी केस देखे जो वो रेफर कर सकते हैं हमें काउंसलिंग के लिए, तो हमारी संस्था काउंसलिंग की सेवाएं जो है वो प्रदान करते हैं।